इस वीडियो में हम जानेंगे इंफोसिस के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स है, किस लेवल पे आप इसको बाय कर सकते हैं, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इंफोसिस जो रेवेन्यू जनरेट किया है फाइनेंशियल ईयर 22 का जो फर्स्ट क्वार्टर है जून क्वार्टर, रेवेन्यू जनरेट हुआ है जून क्वार्टर में 27,896 करोड़ का। वहीं जो पिछले साल के जून क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट हुआ था 23,665 करोड़ का। तो यहां पर रेवेन्यू जो है कंपनी ने ज़्यादा जनरेट किया है इस क्वार्टर में पिछले साल के क्वार्टर की तुलना में। वहीं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो टोटल ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस है कंपनी का वह है 2,787 करोड़ का। वहीं पिछले साल जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस था 2,597 करोड़ का था, तो ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। वहीं टोटल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो कंपनी को अपने बिजनेस से प्रॉफिट प्राप्त हुआ है 6,603 करोड़ का, वहीं पिछले साल प्राप्त हुआ था जून क्वार्टर में 5,365 करोड़ का। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अपने बिजनेस से, मतलब जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है कंपनी का पिछले साल के जून क्वार्टर के कंपेयर में। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी जो टोटल टैक्स पे करने के बाद नेट प्रॉफिट जनरेट किया है 5,201 करोड़ का जून क्वार्टर में इस साल, और पिछले साल जो जनरेट किया था 4,272 करोड़ का, तो पिछले साल की तुलना में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट लगभग इंक्रीज हुआ है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, तो काफी बेहतरीन बात है। कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट को ग्रो कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अब बात करते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर का, क्योंकि अर्निंग पर शेयर काफी बेहतरीन बातें हैं कि हमारा जो शेयर है उस पर क्या अर्निंग कंपनी का इंक्रीज हो रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर अर्निंग पर शेयर हो चुका है 12 रुपीज़ 24 पैसा इस साल के जून क्वार्टर में, वहाँ पिछले साल के जून क्वार्टर में था 9 रुपीज़ 98 पैसा। तो काफी बेहतरीन बात है, यहाँ 2 रुपया 25 पैसा का अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज हुआ है मात्र एक साल में। तो काफी बेहतरीन बात है, इतने पैंडेमिक होने के बावजूद, इतने बिजनेस प्रभावित होने के बावजूद कंपनी ने अपने रेवेन्यू को, नेट प्रॉफिट को, अर्निंग पर शेयर को, सभी चीज को इंक्रीज हुआ है। अब हम चलते हैं शेयर प्राइस के ग्रोथ पर, क्योंकि ओवरऑल तो हमें शेयर प्राइस में जो ग्रोथ होगा वही हमें शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। ठीक है, शेयर प्राइस का जो चार्ट हम यहाँ पर देखते हैं तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हम अभी देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आप इसी के अनुसार होल्ड करते हैं क्योंकि प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे ही है। तो हम लॉन्ग टर्म का चार्ट, मतलब जो मंथली चार्ट है, वीकली देखें या डेली देखें, बात सेम ही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर करेंट प्राइस पर एंट्री करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 1530 रुपया के नीचे होगा। देखिए 1530 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोजिंग दे देता है तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो आप इंटर कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट पर इंटर करते हैं ज़्यादा बेहतर होगा, अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो आपको इसमें बने रहना है, अदरवाइज आप जिस लेवल पे चाहे अपना स्टॉप लॉस लेकर के बाहर आ सकते हैं। तो ब्रेकआउट तब देगा जब ये 1590 के ऊपर सस्टेन कर जाता है और 1600 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो इसमें एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट होगा जहाँ से आप इसको कैरी कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट यहाँ पर फेल होता है तो स्टॉप ले लीजिए, या वहाँ से फिर से ये रिटर्न हो जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर ये इसके 1530 के नीचे निकलता है तो लॉन्ग टर्म वाले होल्ड कर सकते हैं और अपना जितना नीचे गिरे उतना ऐड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म वालों के लिए एग्जिट तब करना है जब ये 1300 के नीचे ट्रेड करता है, मतलब लॉन्ग टर्म वालों के लिए जो स्टॉप लॉस होगा 1300 रुपये का होगा। तो लॉन्ग टर्म में एक ही बार सारा का सारा अमाउंट नहीं डाला जाता है क्योंकि शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पर आप जो कुछ ही क्वांटिटी लेंगे तो उसका स्टॉप लॉस 1300 रुपया होगा। अब देखिए हमने चार्ट को लॉन्ग टर्म के लिए कर दिया मंथली चार्ट, तो देखिए यहाँ इस चार्ट पर देखिएगा शेयर प्राइस जो अपने ऑल टाइम हाई पे है, देख सकते हैं शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो ऑल टाइम हाई पे है तो इसको करेक्ट होने दीजिए, कभी भी कोई बड़ी गिरावट होती है जैसे हमने 1300 रुपये का स्टॉप लॉस दिया लॉन्ग टर्म वालों के लिए, अगर इसके भी काफ़ी नीचे आ जाता है तो आप जितना चाहें उतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही जाना है। तो कई बार इस स्टॉक ने देखिएगा पीछे की गिरावट हुआ है, मौका दिया अपने इन्वेस्टर को इसमें एंट्री करने का। देखिए यहाँ पर स्टॉक बात करें 2007 में तो ये था 280 रुपये का, वहाँ से गिर करके ये आ गया 130 रुपये का। वहीं बात करें फिर यहाँ पर देखिए 2011 में स्टॉक्स था 430 रुपये का, वहाँ से गिर करके ये स्टॉक आ गया था 280 रुपये। तो गिरावट कभी कभी काफ़ी बड़ी होती है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो अपॉर्चुनिटी होता है उस स्टॉक में इंटर करने का। इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।